इसलिए सेट फाइव से शुरू करते हैं और आज कोशिश करते हैं सेट फाइव इख्तिताम पजीर कर लिए। ठीक है बच्चों, तो गोया सेट फाइव पे आते हैं और इसमें पहले टॉपिक का नाम है रिस्क। ये रहा आपका रिड्यूस सिलेबस और रिड्यूस सिलेबस में रिस्क कहीं पे भी नहीं है, ना तो इंट्रोडक्शन वाले पेज पर है रिस्क, ना तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है रिस्क, ना तो मार्केटिंग में है रिस्क, अल्हम्दुलिल्लाह ना तो ट्रेड में है रिस्क। क्या ऐसा है, क्या आप सब इस बात को मानते हैं कि रिस्क नहीं है टॉपिक रिस्क का? अगर हाँ तो यस लिख दो चैट। आवाज नहीं आ रही मेरी बेटा, इससे ऊपर मैं बोल नहीं पाऊंगा, या तो हेडफोन्स लगा लो, या तो किसी ऐसी जगह बैठ जाओ जहां शोर ना हो, या तो बहन भाइयों को खामोश करवा दो। क्या कह रहे हैं बच्चे, आवाज आ रही है? अच्छा बच्चों के यस ने बोल दिया चैट में, फिलहाल चैट पे कुछ लिखा बच्चों, सवाल किया था बच्चों, तुम्हारे पास भी आवाज नहीं आया, मतलब किसी की आवाज नहीं आ रही है? आवाज सबके पास जा रही है। यस यस यस। अच्छा यस यस सबने बोल दिया, तुम्हारे पास फिलहाल? जी सर। यस बोला? हाँ हाँ बोल दिया। ना रिस्क देखा मैंने, ना इंश्योरेंस देखा मैंने, इसलिए पेज नंबर 1 2 3 इंश्योरेंस भी नहीं है ना, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस भी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। सही है सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ना रिस्क है ना इंश्योरेंस है। अब मैं देख रहा हूँ क्या वेयर हाउस है, मैं ये चेक कर रहा हूँ, ट्रेड है, मिडिलमैन है, सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर है, टाइप्स ऑफ रिटेलर है, अल्हम्दुलिल्लाह वेयर हाउस भी नहीं है भाई। तो माशाल्लाह आप लोगों के तो ऐसे छक्के चौके लग रहे हैं कि मुझे लगता है मुझे बहुत मजा आ रहा है। आया ना, जरा थम्स अप कर दो या यस कर दो चैट में, इसका मतलब है वेयर हाउसिंग का टॉपिक भी आपका नहीं है। हाँ अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, हमें कुछ बचा भी है नहीं बचा? सेट फाइव में ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिख रहा भाई आप लोगों को? मुझे तो नहीं दिख रहा, हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर के इसमें हैं, ठीक है, मुझे तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिख रहा, क्या आपको दिख रहा है? यस करो या नो करो, क्या आपको दिख रहा है? यस करो या नो करो, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। यस या नो आया? नो आएगा, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, तो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, इसका मतलब वो पेज नंबर 12 पे आ गए हैं और फाइनेंस तो है, मैंने खुद देखा। फाइनेंस कहाँ है मैं दिखा भी देता हूँ, इंट्रोडक्शन के अंदर इस पे इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे आखिरी पॉइंट है फाइनेंस, इसलिए मेरे बच्चों हमें प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग भी पढ़नी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी पढ़ना है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी पढ़ना है, ठीक है, तो और फिर उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी पढ़ लेंगे अगर आपके नोट्स में है तो, नहीं है चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी नहीं है, तो इस पूरे टॉपिक के अंदर ये है सिस्टम। तुम लोग बताओ तो सबको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, हमारे पास भी है, सब बच्चे ओके कर रहे हैं इस बात को, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? अच्छा इतने प्यारे बच्चे लोग हैं, ये लोग इतने प्यारे लोग हैं, ये लोग इतना प्यार आ रहा है मुझे इनमें कि इन्होंने, सुनो देखो, इन्होंने जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लेकिन जो इन्होंने मॉडल पेपर दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ट्रांसपोर्टेशन है, अंदाजा लगा। इसलिए अल्लाह के बंदों, मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर को सिर्फ इस लिहाज से देखना कि पेपर कैसा आएगा, 38 नंबर के एमसीक्यूज, 7 नंबर के 7 शॉर्ट आंसर्स जिसमें से
पांच करने और दो लॉन्ग आंसर इनमें से एक करना, ठीक है? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मॉडल पेपर को सिर्फ ये देखो कि किस तरह का पेपर आएगा, उसके अंदर क्या लिखा है वो मत देखो, पेपर थोड़ी देर लेंगे वही वाला देखो। चलो फाइनेंस की बात है, क्या होता है फाइनेंस? जैसे एक जिस्म में खून है, ब्लड है, सर्कुलेट करता है, मैं अपने हाथ हिला सकता हूँ, पैर हिला सकता हूँ, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है ब्लड। बिजनेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ये जो खून है, ये जो ब्लड है, इसे फाइनेंस कहते हैं, पैसा। कोई भी चीज हम फ्री में नहीं कर सकते, पैसा देना पड़ता है या लेना पड़ता है। अगर आप काम कर रहे हो तो पैसा लोगे सामने वाले से, किसी से काम करवा रहे हो तो पैसा लोगे, फाइनेंस। इस फाइनेंस को यूज करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया तो आप बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हमें, 14 पॉइंट्स आपने ग्रेड 9 में याद किए होंगे शायद, है ना? इस तरह फाइनेंस को इस्तेमाल करने के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि पहला प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। जब भी फाइनेंस को इस्तेमाल करो, सबसे पहले ये सोचो कि तुम जहां पे भी फाइनेंस लगा रहे हो या लगाने की सोच रहे हो वो सेफ अनसेफ ना हो, ऐसा ना हो कि वो लुट जाओ, ऐसा ना हो कि पैसा कोई ले जाए, ऐसा ना हो कि तुम कोई ऐसा काम करो जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी का ख्याल ना रखो। क्योंकि तो जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, हमारे मुल्क में तो गैम्बलिंग नहीं है, दुनिया में तो हर जगह है, कैसीनोज बने हुए हैं, लोग जाते हैं, लोग खेलते हैं, लोग जीतते भी हैं, लोग हारते भी हैं। सो फाइनेंस का ताल्लुक सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग में, आप जब भी किसी जगह पैसा लगाने की कोशिश करो, किसी भी बिजनेस में डालने की कोशिश करो, हमेशा पॉइंट्स देख लो कि ये पैसा कितना सेफ है। इसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं, मैं पढ़ के सुना दूँ थोड़ी बहुत, कि फाइनेंस कैपिटल सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए बिजनेस का। द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस में फाइनेंस लगाना चाह रहे हैं, जो लोग हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जब वो किसी को लोन दें तो वो ये सोच समझ के देंगे ये बंदा इस पैसे का क्या करेगा, ये जुए सट्टे में तो नहीं लगा देगा, ये कोई प्लॉट खरीद रहा है सेफ, ये कोई घर बना रहा है सेफ, तो गाड़ी खरीद रहा है सेफ। तो ये सब को देख के मद्देनजर रखते हुए आपको फाइनेंस दिया जाता है, अगर आप नीचे लोन लेने जाते हो तो। अगर ये समझ में आ गई मेरे ख्याल है काफी लोगों को समझ में आ जाएगी, तो थम्स अप कर दो बच्चे, अरे अपना पैसा फंसा मत लेना, अपने पैसे को या जो भी शख्स पैसा दे रहा होता है वो ये सामने वाले को देखता है कि ये पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे जहां पे जब दिल चाहे छुट्टा करा ले। असल में लिक्विडेशन का मतलब उर्दू में बता रहा हूँ, अपनी देसी लैंग्वेज में छुट्टा कराना होता है। छुट्टा कराने का मतलब पता है क्या होता है? अगर मैंने एक पार्टनरशिप में पैसा लगाया, अब वो पार्टनरशिप 5 साल तक के लिए, तो मेरा पैसा 5 साल तक फंस गया। लेकिन अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो इसकी लिक्विडेशन ये है कि मैं जब चाहे बेच दूँ, अच्छा भले मार्केट में थोड़ी वैल्यू कम भी मिले ना बेच दूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैंने गाड़ी ली, अब ये लिक्विडेशन है। कितना आया था? मैंने 25 लाख की गाड़ी ली, 2 महीने चलाई, अरे तो यार 24 की बिक जाएगी या 23 की बिक जाएगी या 16 की तो नहीं बिकेगी। आप उसे कोई है जो मुझे बताए 16 की बिके? ऐसा हो नहीं सकता। हाँ वो अलग बात है, डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी पार्ट लग गई, कोई अलग बात, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया, डकैतों ने पकड़ ली, कार्रवाई कर दी, पुलिस में FIR कर दी, पता नहीं सो नहीं थिंग्स, फिर तो 25 की गाड़ी 16 मिल जाएगी। बेटा ऐसे नॉर्मल इंसान के बच्चों की चली गाड़ी, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, 25 की शायद 27 तो हो सकती है बेटा, 16 नहीं हो सकती। इसका मतलब है आपके जो फाइनेंस है वो लिक्विडिटी में है। लिक्विडिटी मतलब जब दिल चाहोगे छुट्टा करा लोगे, जब दिल चाहोगे पैसा। तो कोशिश करो कि अपने जो पैसा है उसको, उसका प्रिंसिपल ये रखो कि हमेशा इस तरह से रहे, किसी को दो तो ये सोच समझ के दो, किसी से दो तो ये इस तरह से दो कि वो
लिक्विडेशन में रहे पैसा, वो पैसा आप जब दिन चाहो छुटा करो। अगर ये समझ में आ गई थम्स अप करो। तीसरे प्रिंसिपल पे जाएंगे, मेरे थम्स अप आ गया जी सर, वेरी गुड, समझ में आ गई सर। हो सकता है कि मैं एक दो टॉपिक्स के बाद थोड़ा सा ब्रेक लूँ, क्योंकि मैं आज जब से कोविड हुआ है पिछले महीने की 20-22 तारीख से, आज फर्स्ट टाइम कोई क्लास हो रहा है, पहले मैंने कोई क्लास नहीं ली, तो ये कमजोरी बहुत ज़्यादा है, घबराहट और घबराहट भी है, ओवर टेंशन भी है सैलरी की वजह से यार, तो इसी दिन चल रहा है लोगों का, सो मेनी थिंग्स प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरा प्रिंसिपल, जब भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले ये देखिए हमें सेफ होना चाहिए वो पैसा, लिक्विडिटी में होना चाहिए वो पैसा। तीसरा जो प्रिंसिपल है, सबसे आखिरी प्रिंसिपल है, वो ये है कि आप प्रॉफिट देके जाए वो पैसा। हमेशा हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि प्रॉफिट देके जाए, ऐसी जगह पैसा ना लगाऊं जो भले सेफ हो भले लिक्विड हो, लिक्विड का मतलब लिक्विडिटी में हो, लेकिन प्रॉफिट ना देके जाए। ऐसा फाइनेंस इसका मतलब आप गड़बड़ में, आप प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस यूज नहीं कर रहे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आजकल हम लोग प्लॉट्स खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, क्यों? असल में हमें सबसे ज़्यादा सेफ लगता है, हमेशा लिक्विडिटी में होता है, जब भी अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ, कोई इशू हुआ, फौरन बेच के बेच सकते हो। अगर 50 लाख का फ्लैट लिया है, 60 लाख का फ्लैट लिया है, तो यार 2-3 लाख 4 लाख कभी भी बेच दोगे यार, वैसे अमूमन हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी में बेचते हो, है ना। और तीसरा क्या है, हमेशा प्रॉफिट के लिए बेचते हैं, 1.5 करोड़ का प्लॉट लिया, 3 महीने रखा, 2 महीने रखा, 1 करोड़ 55-50 लाख लगे, तो 1 करोड़ 60 लाख लगे, बेच दिया 10 लाख का फायदा, अरे पूरा कराची ये कर रहा है, जिसके पास पैसा है वो यही काम कर रहा है, वो 1 करोड़ का प्लॉट लेता है, 1-3 महीने रखता है, वो कभी कभी 1 करोड़ के 40 भी मिल जाता है, उसको पता अदो हो गया। ऐसा तो नहीं देखा मैंने कभी 1 करोड़ का प्लॉट लिया वो 80 का हो गया 3 महीने के बाद, मैंने कभी देखा अपनी जिंदगी में, छोटी सी जिंदगी में आ गया। कर्ज कर लो ताकि हम फाइनेंस की किस्मों पे जाएं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, समझ में आ गया, जल्दी से कर लो भाई, ताकि आज हमारा ये घूम धड़क का सेट खत्म हो ही जाए, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो है ही नहीं आपके क्लोज में, फिर मैं शायद अगली क्लास ना ही रखूँ, मैं सेट 4 ही कंप्लीट करा दूँ, लेकिन फिर भी एक क्लास तुम्हारे लिए होगी, क्योंकि मुझे वो सेट 6 के अंदर का जो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, वो पढ़ाना है, और वो आप परेशान ना हो, मैं उसकी फोटो तुम लोगों को भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, तुम लोगों को आना नहीं पड़ेगा, मैं उसके लिए सामने फोटो होगी, हम एक लेक्चर देंगे, आधे घंटे का होगा या एक पौन घंटे का, जब भी क्लास होगी अभी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पेपर को लेके बिल्कुल परेशान मत होना, मैं गारंटी देता हूँ पेपर आउटस्टैंडिंग होगा, खतरनाक होगा, बल्कि चलो ये वाली ओपन गारंटी के ऐसा कोई और पेपर नहीं होगा जैसा पीओसी का होगा, इतना अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। तो जो कराया है, जो सिलेबस में है वो कर लो, और बाकी इंशाल्लाह मुझे जिंदगी दी, आपको भी दी, तो हमारे साथ ये मेरा वादा याद रखना, ये जरूर मैं आपसे पूछूंगा कि सारे पेपरों में सबसे अच्छा पेपर कौन सा होगा, तो भाई ये मेरा कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे नहीं अल्लाह पे कि सबसे अच्छा इंशाल्लाह आपका पीएससी का पेपर ही होगा, हां गारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और ये भी बड़ा भूल नहीं है, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, लेकिन ये हर उस बच्चे के लिए होगा जो पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा उसका सबसे बुरा पेपर होगा ऑब्वियसली, और चला जो नहीं पढ़ने वाले हैं ना सुनो वो जवाब दे दे लास्ट, नहीं सर हमारा नहीं हुआ अच्छा, आपने कहा अच्छा हुआ अल्लाह की कसम हमारा नहीं हुआ अच्छा, ऐसा तो किसी उनके लिए नहीं होगा चाहे लोग, ये पढ़े लिखे लोगों से बात होगी, तो बोले एमसीक्यूज के एमसीक्यूज बात करेंगे बेटे, एमसीक्यूज के लिए आपको यही तो बताया, जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए, नोट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं वही पढ़ो, एक एक एमसीक्यू उसमें से आए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मैं आपको 200 एमसीक्यूज दूंगा और उन 200 में से आएगा, अरे मेरे बच्चों गौर से सुनो मैंने क्या बोला, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, रिवाइज सिलेबस है, वो सब आपने किए हैं, सब नोट्स में होंगे, आपने बस वो पढ़ने हैं, रीडिंग करनी है, याद कर
करने हैं, एमसीक्यू सारे वहीं से आएंगे सारे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, जैसे भी आपने पढ़ा ये प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, तो एमसीक्यू ऐसा आ सकता है कि द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस आर, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब उसमें ना लिखा होगा प्रिंसिपल ऑफ फलाना, प्रिंसिपल ऑफ धमाका, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, या नन ऑफ दीज। आप बताओ क्या होता है। अब जिसने पढ़ा होगा उसे पता है प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस में सेफ्टी होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होता है, लिक्विडिटी होता है, पता होगा ना उसको प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी में वो टिक लगा देगा सी। इस तरह से आएंगे एमसीक्यूज, क्योंकि किसी को नहीं पता कि एमसीक्यूज क्या आएंगे। लेकिन अभी क्योंकि सेकंड ईयर के पेपर हुए बैंकिंग के, मेरा बैंकिंग का पेपर हुआ, जो कहा था, जो लेक्चर दिया था, जो पूरा पूरा लेक्चर बच्चों ने सुना पढ़ा, टॉपिक करके गए रिवाइज सिलेबस वाले, एक एमसीक्यू मिस नहीं किया, एक 38 में से एक नहीं किया। अब मुझे बताओ, खुद बताओ, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये है कॉन्सेप्ट। चले आगे बढ़े, थम्स अप करो, देखो अगर थम्स अप आए तो उसमें थम्स अप करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, थम्स अप नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे कितने हैं बच्चे, कितने ही क्लास में, मुझे यही पता, 5, 10, 15 46 लड़के लड़कियां और 49 बॉयज। हां कहां से आ रहे हैं लोग, कहां से आते हो तुम लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 30-35 लड़कियां होंगी, 30-35 लड़के होंगे, 100 बच्चा बैठा हुआ क्लास में, और ये 100 से ऊपर 100 तक, अनबिलीवेबल है। इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड इन सब का है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन इतनी इकोनॉमिक्स चल रही है और पीछे स्टैट्स चल रही है, पढ़ा पीओसी राम, और पढ़ने वाले बच्चे तो देखो ना सारे तैयारी कैसी है सबकी, जरा जरा कम दब करके बताओ जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनकी लुल है ना लुल, वो सिर्फ चैट पे लुल लिख दे, लुल एल ओ एल, लॉल नहीं है एल ओ एल, लुल है लुल। बोले इंपॉर्टेंट बताते हैं, अबे चल बड़ा है कौन है ये बच्चे, नाम बता, इसका नाम है सीमा सूरज, सीमा तुम्हारे बारे में किसने लॉ लिखा है, लिखा है किसी ने लिखा, आमीन लिख रही है ना, क्या आमीन, नहीं लड़कियों में से किसी ने लॉ नहीं लिखा, ये सारे कमीने लिखे, ये 50 बच्चा बैठा था ये सारा कमीना है, बेटा सोच समझ के लॉ लिखना, ऐसा ना हो वैसे ही लुल हो जाए पेपर, नहीं होगा इच्छा, नहीं होगा अल्लाह के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें नहीं ढूंढना, तुम भी मत होने देना, बस ऐसा नहीं मैं नहीं ढूंढूंगा, तुम भी मत होने देना। चलो भाई हो गए सब, ओके बढ़ो आगे। देखो बेटा एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी हम कहाँ कहाँ से पैसा ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म, एक साल के अंदर अंदर वापस करना। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है एक साल के अंदर अंदर आप जब वापस करना हो पैसा, लॉन्ग टर्म जब लगभग 5 साल, 1 साल से ऊपर, 2 साल, 4 साल, 20 साल, तो 20 साल में लोन मिलते हैं। हाँ बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है समझाता हूँ। चलो पहला है भाई क्या, ट्रेड क्रेडिट। ये भाई ट्रेड क्रेडिट क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट बेसिकली होता है जैसे मैंने दुकान खोली है कोई, अब मैंने दुकान खोली है, मेरे पास सामान, मैंने अपनी हाथ 5 लाख का सामान डाल दिया है, लेकिन मेरे पास और भी सामान रखने की जगह है लेकिन पैसा नहीं है, तो कुछ कंपनीज या कुछ लोग मेरे पास आकर अपना सामान रखवाएंगे और बोलेंगे ये रखो बेचो उसको जो पैसा आए वो दे देना, दैट्स कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। यानी अंडर ट्रेड क्रेडिट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड, सबसे सस्ता ही है। अंडर दिस अरेंजमेंट अ फर्म बाइज मटेरियल इक्विपमेंट फ्रॉम द सप्लायर, देखा
मैंने मैं गया बॉस वालों के पास, मैंने वहां पे जाके साइन वाइन किया, मैंने कहा आप एक आप 15,000 की अपनी आइसक्रीम में मेरे पास रखवाएं, देखेंगे मैं आपको पैसे बिल बनाएं, जो भी लेटर डेट होगा हर महीने 15 तारीख को आके जितनी लिखी है उतने पैसे ले जाना, इसे बोलते हैं ट्रेड। इतना आसान तरीके से लिखता ये बेसिकली 7 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर आपने रिटर्न करना, और ये हर किसी को नहीं मिलता। जिसका भी मार्केट में अच्छी गुडविल होती है उसको उसके लिहाज से मिलता है। मेरी दुकान है, हो सकता है वो मुझ पर भरोसा करते हुए 25,000 का सामान रखवा दें, किसी और की दुकान है उसको 5,000 का सामान रखना, जो छोटी दुकान है उसकी गुडविल अच्छी नहीं, उसका सेटअप इतना अच्छा नहीं, उसकी सेल इतनी अच्छी नहीं। मेरी सेल बहुत है, वो 50,000 का भी सामान रखवा सकते हैं बोलते आपको, अटके डबल रोटी और ये दूध और ये अंडे वंडे वाले भी ऐसे सामान रखवा देते हैं, इसके बाद बहुत दिखता है। इसके बाद रखवा आप पैसे 3 महीने बाद देना, आप पैसे 2 महीने बाद देना, आप पैसे 45 दिन बाद देना, इसे बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ में आ गई होगी, तब तक करो आगे हो जाएगा। तो 45,000 की खरीदी थी मैंने, उसमें मैंने 20,000 रुपए की
ट्यूशन से जमा हुआ करके दिए थे, बाकी 25,000 रुपए की पूरे साल की इंस्टॉलमेंट बनवानी, एक भी रुपया ऊपर नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, सूद नहीं दिया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बनवानी थी। 25,000 को डिवाइड बाय 12 किया था उन्होंने, वो बने थे 2,000 रुपए पर मंथ, 2,100 रुपए वो मैंने हर महीने जाके दे दिया। चौथा, बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरे ख्याल से बाबा ने आप सबको समझाया हुआ होगा बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में, कि जब बैंक के अंदर आपका पैसा कम हो लेकिन आपने किसी को चेक ज्यादा ही काट के दे दिया, तो बैंक वाले अपनी जेब से पैसा दे देते हैं गुडविल के तहत, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या ये हेडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट की समझ में आ गई? थम्स अप करो बेटा, लगोगे आ गई समझ में, थोड़ा देर आ रहा है सर। ये सर फाइनेंस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक पीओसी में सेट फोर स्टार्ट हुआ था अभी जब लास्ट क्लास हुई। ये कौन से बच्चे हैं बेटा? ये सेक्शन बी के बच्चा है, ये सुन नहीं रहा, ये फजूल सवाल कर रहा है सर। गर्ल है, भले कोई भी गर्ल हो, बॉय हो, मुझे क्या, ये फजूल सवाल इसलिए कि मेरी लेट आई थी थोड़ा, तो समझ नहीं आई, मैंने अभी कितनी देर बैठ कर 15 मिनट इतने जाया कि तमीज वाली बच्चों कि मैं आप सबको सेट फाइव शुरू करा रहा हूँ। सुन लो आप सब दोबारा से, मैं सेट फाइव शुरू करा रहा हूँ और सेट फाइव के अंदर पहले तीन टॉपिक तो है ही नहीं आपके कोर्स में रिड्यूस सिलेबस, तो मैं डायरेक्ट फाइनेंस पे आ गया। ये फाइनेंस का टॉपिक खत्म करेंगे, सेट फाइव खत्म करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे सेट फोर, ठीक है? ओवरड्राफ्ट सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुन लो भाई, मैं मेरा अकाउंट बैंक में है, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े, ठीक है, मुझे नहीं पता कि 20 पड़े, लेकिन 20 पड़े। यहाँ पे एक रंग वाला आया, मेरे पूरे घर को रंग कर दिया, मैंने उसको चेक काट के दे दिया 25,000 का, क्योंकि उसका काम 25,000 का। अब वो बैंक गया, उसने बैंक में जमा कराया चेक, आप मुझे बताओ क्या उसको 25 मिलेंगे? दिमाग कहता है नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में कितने पैसे 20। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर बैंक की मेरी नजरों में या मेरी मेरी बैंक की नजरों में कोई गुडविल है, कोई इज्जत है, तो बैंक खामोशी से उसको बगैर बताए अपनी जेब से 5,000 रुपए डाल के उसको दे देगा, समझे? हालांकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 20 थे, लेकिन बैंक ने 5,000 ऊपर से डाल दिए खुद से, लेकिन बैंक इतना अच्छा नहीं है जो 5,000 खुद से डालेगा, बैंक उसके चार्जेस काटेगा मुझसे, उससे इंटरेस्ट सूद लेगा मुझसे, मुझे फोन करेगा कि भाई दे दो पैसे 5,000 रुपए का, हमने दे दिए हैं, अगर आप नहीं दोगे तो सूद कटता रहेगा हर महीने का सूद। अब आप सोच रहे हो कि सर आप उस बैंक को छोड़ दो, अकाउंट क्लोज करा दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बैंक आपकी शक्ल पे नहीं देता आपको ये फैसिलिटी, बैंक भी देखता है कि ये बंदा काम का है, इसके पास पैसा होता है, आता जाता रहता है, ये काम करता है, बंदा काम का है, उस लेवल पे बैंक आपको